मेरे स्क्रीन के साइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दो इंसान आपस में पति पत्नी, ये दोनों खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन अपनी शौकीनी को पूरा करने के लिए ये जो तरीका अपनाते हैं वो बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, फाइव स्टार होटल में खाना खाना जाते हैं और वहाँ से बिना बिल चुकाए फरार हो जाते हैं। ये सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और ये दोनों पति पत्नी इस कांड को सिर्फ एक बार नहीं, कई बार अंजाम दे चुके हैं। ये बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ से खाना खाते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने 1 लाख से ऊपर का खाना खाया है और 1 रुपया भी इन्होंने होटल या फाइव स्टार होटल को नहीं दिया है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि फाइव स्टार होटल में तमाम सिक्योरिटी रहते हैं, गार्ड रहते हैं, जो कस्टमर को बिना बिल चुकाए वापस बाहर नहीं आने देते। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि बार बार ये इस कांड में सफल क्यों हो रहे थे, क्यों पुलिस इनको नहीं पकड़ पा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो पिछले साल 2023 अगस्त के महीने की है। दोपहर का करीब 1 बजा हुआ था, ये दोनों पति पत्नी अपने एक बेटे के साथ एक 5 स्टार होटल में गए। वहाँ पर जाकर खाना ऑर्डर किया, एक से एक लजीज और महंगा आइटम ऑर्डर किया। वेटर और मैनेजर जब ये खाना ऑर्डर कर रहे थे और लगातार मंगाए जा रहे थे, तो इनका मुंह देख रहे थे कि इतना खाना कैसे खा रहे हैं, ये परोस रहे थे और बढ़िया से बढ़िया आइटम इनको दे रहे थे। इन्होंने पूरा खाना खाया, उसके बाद फिर आइसक्रीम भी मंगाई। आइसक्रीम जब सब कुछ खाना पीना हो गया तो जो आदमी है ये पति, ये वहाँ से किसी काम का बहाना देकर बाहर चला गया। इसके थोड़ी देर बाद पत्नी भी ये कहकर बाहर चली गई कि उसको गाड़ी से कैश निकालना है। दोनों पति पत्नी बाहर आ चुके थे, अब जो अंदर बचा था वो सिर्फ बेटा बचा था। इसके 5 मिनट बाद बेटे ने कहा कि उसको एक इमरजेंसी कॉल आई, उसको जल्दी से बाहर जाना होगा। वो बाहर चला गया। थोड़ा टाइम बीत गया, ये होटल वाले मैनेजर वेट कर रहा था कि वे वापस आएंगे, क्योंकि कस्टमर अमूमन ऐसा नहीं करता कि बिना बिल चुकाए वापस घर चला जाए। ये वापस नहीं आए। इसके बाद मैनेजर अपने गार्ड के साथ बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था, ये तीनों फरार हो चुके थे। इसके बाद मैनेजर ने इस पूरे वाक्य को फेसबुक पर शेयर किया और कहा कि किस तरीके से इन दोनों पति पत्नी ने भरोसे को तोड़ा और बिना बिल चुकाए खाना खाकर फरार हो गए। इस घटना के बाद थोड़े दिनों बाद एक घटना और आई कि 5 स्टार होटल में पति पत्नी ने खाना खाया और बिना बिल चुकाए फरार हो गए। ये मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और स्टार्टिंग की शुरुआत की कि कैसे ये पति पत्नी इस कांड को अंजाम देते हैं। लगभग 8 महीने 9 महीने के अंदर इन दोनों ने ना जाने कितने होटल में ऐसे कांड किया हुआ है और 1,05,857 रुपये का खाना खाया हुआ है। इसके बाद तमाम जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और साथ ही कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पति को 8 महीने और पत्नी को 12 महीने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के अंदर इस कपल को जो इतने भी होटल का खाना खाया उनका बकाया चुकाना पड़ेगा। ये पूरा जो मामला है वो ब्रिटेन का है। यहाँ पर पति का नाम ब्रिनाडा और पत्नी का नाम मैकडोनल्ड है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इन दोनों पति पत्नी के पीछे जो इन्होंने बड़े बड़े होटल से खाना खा रहे थे, इसके पीछे लालच था और कोई वजह नहीं थी। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।